नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं जिला टॉप। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राकृतिक छटा में बसे राजा भीठा में। काफ़ी सुंदर यह जगह है और उससे भी सुंदर पीछे आपको एक अस्पताल दिख रहा होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा भीठा। यहाँ आने के पीछे की वजह ये थी कि यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर स्टाफ हैं, यहाँ पर दवाइयाँ हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ है जो एक अस्पताल में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं हैं। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, हम यहाँ पर आके पूछे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उनका कहना है कि डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे हमसे मत पूछिए, हमको नहीं पता। डॉक्टर साहब कब आते हैं नहीं आते हैं इस बात का यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है। आइए आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं और पूछते हैं लोगों से कि अंदर क्या माजरा चल रहा है। अभी मान लीजिए कि आप एएनएम है, जीएनएम है, जो भी हैं, आप यहाँ पर हैं तो आप काम कर ले रही हैं। अभी अगर आपके हाथ से ऊपर का पेशेंट आ जाए जो ज्यादा सीरियस हो, रेफर हो जाएगा। एम्बुलेंस है यहाँ? एम्बुलेंस है। कहाँ से आता है एम्बुलेंस? कहाँ से आता है एम्बुलेंस? 108 या तो अपनी गाड़ी से भी, कोई कोई जो लोग सक रहा है पैसा देने के लिए वो लोग अपनी गाड़ी से जा रहा है। और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं यहाँ पे? जी नहीं, अभी तक तो जितना दिन से हॉस्पिटल बना है मेरा दर्शन नहीं हुआ है अभी तक डॉक्टर साहब से। आप कौन हैं? हम यहाँ का ग्रामीण हैं। ग्रामीण हैं। हाँ। मान लीजिए कि डॉक्टर साहब नहीं आते तो आप लोग इलाज कराने में कोई दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। इलाज का बात करें तो यहाँ के जितना भी आते हैं, बस ये शोभा के लिए कहा जाए, अगर इसको 5-स्टार होटल बना दिया जाए तो सबसे बेहतरीन रहेगा। ये यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाए। इलाज करवाते कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग इलाज कहाँ से करवाएंगे? इलाज पैसा होता है तो जाते हैं और नहीं होता है तो इसी तरह। कहाँ जाते हैं? बाहर दूर जाना पड़ता है, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। गोड्डा बोल देता है, मागमा बोल देता है। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से गोड्डा का सदर अस्पताल? गोड्डा का सदर अस्पताल हम लोग का 30-32 किलोमीटर पड़ता है सर। 32 किलोमीटर पड़ता है। मागमा हम लोग का 26-27 किलोमीटर पड़ता है। और गरीब आदमी सबसे पैसा कहाँ पाएगा बाहर जाने के लिए। कितने दिन पहले ये अस्पताल बना है कुछ पता है? ये अस्पताल अनुमानतः याद तो नहीं, लगभग 10 साल हो गया है। 10 साल। एम्बुलेंस है यहाँ पे? एम्बुलेंस देखे हैं अस्पताल में कभी? एम्बुलेंस एक ओमनी है, पता नहीं उसमें एम्बुलेंस है कि पैसेंजर ढोता है नहीं पता है, उसमें पैसेंजर लाते हुए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ घर हुआ? भदरिया। ये अस्पताल का कौन सा रूम है? लेबर रूम है। गंदगी नहीं फैले, प्रसव के दौरान इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ तो होगा मेडिकल में? तो है सरकारी सैनिटाइजर से इसको साफ करते हैं। साफ करने का साफ है वही सब सब सामान है साफ करने का। ये इस अस्पताल का हाल है, हम आपको बाहर ले चल के दिखवाते हैं और कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं और वो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ का पूरा माजरा क्या है। सफारी से घूमने वाले सिविल सर्जन को कभी यहाँ पर आकर ये देखना चाहिए कि अस्पताल बनाने से, बिल्डिंग बनाने से कोटा पूरा करके काम पूरा नहीं होता है। यहाँ पर नर्सेस की कमी है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं, आपके अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है सर, ऐसे में कैसे काम चलेगा? तुम लोग को कोरोना का वैक्सीन लगा है? कोरोना का वैक्सीन लगा है किसी को? यहाँ पे आप COVID-19 टीकाकरण केंद्र बनवाए, दिखाइए आदित्य एक बार। यहाँ पर आप COVID-19 टीकाकरण केंद्र नीचे राजा भीठा लिखवा में फिर दिखाओ। किसी को भी वैक्सीन लगा है? किसी को वैक्सीन नहीं लगा है। ये सारी दिक्कतें हैं जो स्वास्थ्य विभाग झेल रहा है। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बोल देते हैं कि हमने सीना ठोक के काम किया, हमने बाजा फाड़ दिया विकास करते करते। यहाँ देखे आदिवासी हो? आदिवासी हो ना? मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ये हाल है सर आदिवासी क्षेत्रों का, देख लीजिए कि इनको टीका नहीं लगा है अभी तक। सिर्फ शहरों में टीका लगाने से कोटा पूरा हो जाएगा क्या? तो ये सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने के बाद से जो विभाग है उस पर ध्यान दे और यहाँ पर जरूरी चीजें जो है उसके साथ साथ डॉक्टर साहब से भी ये पूछा जाए कि आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आ पाए हैं। बाकी कैमरे के पीछे हैं आदित्य, मेरा नाम है वैभव, आप जिला टॉप देख रहे थे। तब तक के लिए नमस्कार।